हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए लेक्चर नंबर 5, जो कि नेक्स्ट लेक्चर है। चार लेक्चर तक आप लोगों को पहले से अपलोड कर दिया गया है, जो कि आप चैनल पर विजिट करके उसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो इसका लाभ उठाना चाहते हैं, जो कि बहुत ही मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और जो कि मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जो अपना फीस पेमेंट नहीं कर सकते कोई अदर कोचिंग सेंटर में, और उन्हें ऑटोकैड सीखना है, तो यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से और फ्री ऑफ कॉस्ट इसे सीख सकते हैं। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की जो टॉपिक होने वाला है, ये है ड्रॉ कमांड, जिसमें आज हम कवर करेंगे इलिप्स, इलिप्स आर्क और हैचिंग। तो चलिए हम लेकर आते हैं आपको सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे अब हम आ गए हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे इलिप्स क्या होता है। इलिप्स ये है ड्रॉ टूल बार का कमांड। ड्रॉ टूल बार के लिए हम चाहे तो सबसे पहले इसका ग्रिड ऑफ कर लेते हैं, ताकि हमें कोई दिक्कत उक्कत ना हो। तो सबसे पहले ये जो मेरे पहले के ड्राइंग बने हुए हैं, ये सबको हम इरेज कर लिए। इरेज करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके ग्रिड को ऑफ कर लें। अगर आपको ऐसे काम करना आसान लग रहा है, तो आप ऐसे भी इसका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, ग्रिड यहाँ पे जो कि मॉडल की इसका फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसे हम ऑफ कर लिए। ऑफ करने के बाद अब हम आएंगे ड्रॉ टूल बार में। ड्रॉ टूल बार पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन शो होगा एलिप्स का। अब यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि इलिप्स 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो सेंटर इलिप्स, एक्सिस एंड इलिप्स और आर्क इलिप्स। ये सब इसे बनाने के मेथड है, इलिप्स एक ही होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलिप्स को यूज करेंगे। अब यहाँ पे सेंटर इलिप्स क्या होता है, एक्सिस एंड इलिप्स क्या होता है, और फिर आर्क क्या होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका शॉर्टकट की पहले नोट करेंगे। इसका शॉर्टकट की जो होता है EL इंटर होता है। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेंटर इलिप्स। सेंटर इलिप्स इसका मतलब ये है कि हम जैसे ही सेंटर इलिप्स पे क्लिक करेंगे, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफाई सेंटर ऑफ इलिप्स, इस पे यहाँ पे सेंटर पॉइंट क्लिक करना है इलिप्स के लिए। यहाँ पे हम क्लिक कर लिए। अब यहाँ पे जो पूछ रहा है, स्पेसिफाई एंड ऑफ इलिप्स, स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ एक्सिस। एक्सिस के लिए अब हमें एंड पॉइंट सेलेक्ट करना है। जैसे हम सोच रहे हैं इस वाले एक्सिस पे बनाएं, कौन से एक्सिस पे आप इलिप्स बनाना चाहते हो, तो हम सीधा सीधा बनाना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, ऑर्थो मोड को ऑन कर लेना है, ताकि हम एलिप्स को सही से समझ सकें। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे सपोज करो सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। अब एक्सिस ये वाला मेरा होने वाला है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस होने वाला है, इसका हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। जैसे हम इसका डिस्टेंस की वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे आपको क्रॉस हेयर के साथ में कुछ न्यूमेरिक वैल्यू चलते हुए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो हम एक्सिस का डिस्टेंस लेने वाले हैं, या फिर इसका एंड पॉइंट जो क्लिक करने वाले हैं, वो हम रख रहे हैं 20, मतलब सेंटर पॉइंट और इसका जो ये एक्सिस का एंड पॉइंट होने वाला है, इसके बीच का जो गैप है 20 कर लिया इंटर। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्पेसिफाई डिस्टेंस टू अदर एक्सिस। अब अदर एक्सिस पे इसका डिस्टेंस क्या रखने वाले हो आप, या प्लस की ओर कर लो या माइनस की ओर कर लो, कहीं भी क्रॉस हेयर को आप ऐसे मूव करा लो। नहीं भी कराते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप डायरेक्ट वैल्यू इंटर कर सकते हो। सपोज कर रहे हैं इस वाले एक्सिस पे हमें 20 डिस्टेंस पे चलना है, जब यहाँ से सेंटर से इधर वाले डिस्टेंस भी 20 है और इस वाले पे भी 20 हो जाएगा, तो इलिप्स नहीं दिखेगा, इलिप्स ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें इस वाले वैल्यू को, जो ये वाला वैल्यू है सेंटर से यहाँ तक की वाली वाली वैल्यू, तो इससे ज़्यादा हमें लेना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 30 इंटर कर लिए। 30 इंटर करते ही ये इलिप्स फॉर्म में बन गया। ये जो इलिप्स है, इस तरीके से इलिप्स होते हैं। ये हो गया सेंटर इलिप्स। सेंटर इलिप्स के बाद जो इलिप्स आ रहे हैं, यहाँ पे ड्रॉ टूल बार में गए, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे इलिप्स। इलिप्स में आने के बाद आ रहे हैं यहाँ पे एक्सिस एंड। एक्सिस एंड का मतलब ये है कि हमें एक एक्सिस और एंड के सहायता से इलिप्स बनाना है। सपोज करें यहाँ पे हम क्लिक किए। क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, मतलब क्लिक कर लेंगे कहीं भी। क्लिक करने के बाद ये वाला हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो दे रहे हैं, मान लो हम यहाँ पे 20 कर लिए इंटर। उसके बाद ऊपर की जो ये वाली डिस्टेंस दे रहे हैं अदर एक्सिस पे, अदर एक्सिस का जो डिस्टेंस हम रखते हैं यहाँ पे 30 इंटर। अब ये देखोगे कि ये भी 20x30 का बना, ये भी 20x30 का बना, तो इन दोनों का शेप अलग अलग क्यों है। तो ये है सेंटर इलिप्स, ये है एक्सिस एंड इलिप्स। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पे हम पहला डिस्टेंस दिया था इसका 20, यहाँ से यहाँ तक का वो डिस्टेंस सेंटर, सेंटर का मतलब ये है कि उसका वैल्यू सेंटर से कैलकुलेट किया। दैट मीन्स कि ये यहाँ जो इसका सेंटर होने वाला है, ये सेंटर यहाँ से इस वाले पॉइंट जो कि एक्सिस का एंड पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस 20 था, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस था, ये डिस्टेंस 30 था। हमेशा जो पहला एक्सिस लेता है वो इसमें हाफ लेता है, दैट मीन्स कि ये सेंटर से एंड तक का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करता है पहले एक्सिस पे, और जो सेकेंड वाले एक्सिस है
सेकेंड वाले जो अदर एक्सिस पे हम डिस्टेंस देते हैं वो सेंटर से यहाँ तक का ये वाले डिस्टेंस होता है। अब हम क्या करेंगे, जो ये आर्क वाले एक्सिस एंड वाले एलिप्स है इसके लिए भी सेम वैल्यू रखे थे, इसका यहाँ से यहाँ तक 20 और यहाँ से यहाँ तक 30, सेम वही वैल्यू था। लेकिन जो एक्सिस, एक्सिस का मतलब ये है कि उस एक्सिस पे जो टोटल डिस्टेंस, मतलब पहला पॉइंट और सेकेंड पॉइंट जो हम क्लिक किए थे वो टोटल डिस्टेंस था 20 और यहाँ पे यहाँ तक जो डिस्टेंस दिए थे ये डिस्टेंस था 30। मतलब यह है कि जो सेंटर एलिप्स है उसे सेंटर से एक्सिस का एंड तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कैलकुलेट करता है। इसके बाद जो अदर एक्सिस पे डिस्टेंस देते हैं वो ये एलिप्स का रेडियस कैलकुलेट करता है। मतलब सेंटर वाले में सेंटर एक्सिस पे, अदर एक्सिस पे और नॉर्मल एक्सिस पे दोनों पे डिस्टेंस सेंटर से कैलकुलेट करता है, और एक्सिस एंड वाले पे अदर एक्सिस पे तो सेंटर से कैलकुलेट करता है ये वाला, लेकिन जो पहला एक्सिस होता है मेरा वो वाले एक्सिस पे टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट करता है, मतलब लेकर चलता है। अब हम लेकर आएंगे आपको अगले वाले एलिप्स का मेथड में। ये जो अगले वाला एलिप्स है ये है आर्क एलिप्स। आर्क एलिप्स को हम कैसे बनाते हैं, जैसे आर्क एलिप्स को हम एक्टिवेट कर लिए, यहाँ पे आपको शो भी हो रहा होगा कि स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ का डिस्टेंस भी दे सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ पे डिस्टेंस टाइप कर लो या मैनुअली भी यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। तो हम सेम यहाँ पे डिस्टेंस दिए इंटर 20 इंटर कर लिए। 20 इंटर करने के बाद अब हम अदर एक्सिस पे देंगे वही वैल्यू जो कि हम पहले से देते हुए आ रहे हैं 30 इंटर। आप चाहो तो अलग भी दे सकते हो, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे देखो इस वाले में हम क्या किए थे, 20 दिए थे और 30 दिए थे, उसके बाद कमांड मेरा खत्म हो गया था, मतलब ये एलिप्स बन के तैयार हो चुका था। लेकिन इसमें जो आर्क वाले एलिप्स है इसमें मेरा कमांड अभी भी एक्टिवेट है। ये कह क्या रहा है कि स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल, क्योंकि ये आर्क है, आर्क में हमें एंगल, मतलब जो आर्क एलिप्स है इसमें हमें आर्क के रूप में दिखाना होगा, ये एलिप्स तो टोटल बना हुआ है। तो इसमें हम जो एंगल देंगे स्टार्ट एंगल और एंड एंगल जो देंगे उसके बीच का जो बनेगा एलिप्स वही उसका आर्क के फॉर्म में बनेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हमें स्पेसिफाई स्टार्ट एंगल यहाँ पे इसको वैल्यू प्रोवाइड करना है। वो एंगल यहाँ पे कैलकुलेट कहाँ से करेगा, तो एंगल जो होता है यहाँ पे इसके डाउनवर्ड जो ये वाला पॉइंट है यहाँ से इसका एंगल शुरू होता है, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270 होगा, यहाँ पे 360 होगा। यदि हम 0, 2, 360 इंटर करेंगे तो 0 से 360 मतलब कि ये टोटल आर्क में बनेगा। यदि हम 270 करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल बनेंगे। यदि हम 180 करेंगे तो यहाँ से 0 यहाँ से शुरू होगा, 180 यहाँ तक बनेगा। यदि हम 90 करते हैं तो 0 से 90 मतलब यहाँ तक ही बनेंगे, बाकी ये जो तीन साइड के इधर के बचेंगे वो सभी यहाँ से इरेज हो जाएंगे, मतलब कि ट्रिम हो जाएंगे। या तो हम मैनुअली भी यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, ऑर्थो मोड ऑफ करके भी आप क्लिक कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे आप डायरेक्ट एंगल की वैल्यू इंटर सकते हो। सपोज करते हैं हम यहाँ पे कि पहला एंगल जो स्टार्ट एंगल यहाँ पे है उसे हम 0 ले लिए, 0 इंटर किए। अब जो यहाँ पे अगला वाला जो एंगल होने वाला है ये हम 90 दे सकते हैं तो यहाँ तक बनेगा, 180 देंगे तो यहाँ तक बनेगा, 270 देंगे तो ये आर्क यहाँ तक बनेगा एलिप्स वाले, और उसके बाद 360 दे देंगे तो ये टोटल कंप्लीट बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम सिर्फ 90 इंटर करते हैं ताकि ये जो मेरा बने सिर्फ 90 एंगल तक ही बन पाए। इस तरीके से एलिप्स मेरा कंप्लीट होता है। अब हम लेकर आते हैं आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये आपका है हैचिंग। हैचिंग के लिए हमें क्या करना है, हैचिंग के लिए हम आपको फिर से लेकर आते हैं आपको सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर पे आने के लिए हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे आ गए। अब हमें हैचिंग करना है, सपोज करें इस एलिप्स में ही हैचिंग करना है या फिर अलग कोई भी ऑब्जेक्ट बनाए उसमें हमें हैचिंग की ज़रूरत है, तो हम हैचिंग कैसे करेंगे। हैचिंग होता क्या है, हैचिंग किसी भी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हैं, कहीं भी सेक्शन वगैरह अगर आप बनाते हो तो सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए यूज कर सकते हो। जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं वो, या फिर जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो, यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट का या फिर कोई भी प्लान का या फिर कोई भी आप मशीन का पार्ट्स बनाए उसका सेक्शन काटें, उस सेक्शन को हाईलाइट करने के लिए या फिर उसको फॉर्म देने के लिए हम यहाँ पे हैचिंग का यूज करते हैं। जैसे सपोज करें ये मेरा रेक्टेंगल हो गया जो कि किसी वाल, बीम, कॉलम या फिर कोई भी मैकेनिकल पार्ट्स का ये कटा हुआ एक सेक्शन है। अब इसमें हम यहाँ पे हैचिंग दिखाना चाह रहे हैं, तो हैचिंग को हम कैसे दिखा सकते हैं, हैचिंग कितने टाइप्स के होते हैं, हम यहाँ पे अलग अलग शेप बना ले रहे हैं उसमें हम हैचिंग करके देखेंगे कि हैचिंग को हम कैसे कैसे करते हैं। यहाँ से हम एलिप्स का कुछ पार्ट्स बना लिए, कुछ सर्कल बना लिए, कुछ रेक्टेंगल बना लिए। अब हम इसमें पढ़ेंगे हैचिंग। हैचिंग के लिए हमें कहाँ जाना है, ड्रॉ सेक्शन में जाना है। ड्रॉ में आने के बाद, ड्रॉ टूल बार में आने के बाद यहाँ पे हम हैचिंग को सेलेक्ट करेंगे। हैचिंग मिलेगा कहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है हैचिंग। हैचिंग के बाद आ रहा है ग्रेडियंट जो कि इसी का पार्ट्स है जो कि हम आगे देखेंगे। इसका शॉर्टकट की जो होता है एच इंटर होता है, आप चाहे नोट कर लें, एच इंटर कर लिए। एच इंटर करने के बाद आप या तो इसमें पिक करके हैच कर सकते हो या फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके, इसके बाउंड्री को सेलेक्ट करके तो हैच कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें बाय डिफॉल्ट एक हैचिंग हो रहा है जो कि स्क्वायर फॉर्म में हो रहा है।
इसके बाद यहाँ पे हम इस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके भी हैचिंग कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ये कैसे हो रहा है वो हम आगे देखेंगे कि इसका हम चेंज कैसे कर सकते हैं। सपोज करें इस पर हम क्लिक कर दिए, ये हैचिंग इसमें हो चुका। यदि और कहीं भी हैचिंग करना है वहाँ पर भी हम क्लिक कर सकते हैं, या तो फिर हम जैसे ही इंटरप्रेस करेंगे इसमें हैचिंग हो गया है। हैचिंग होने के बाद अब हम देखेंगे इस हैचिंग को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मेट क्या रखने वाले हैं, क्या ये जो हैचिंग है ये सही है या फिर हम दूसरे तरीके से हैचिंग करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, या तो आप इस पर क्लिक कर लो, या तो क्लिक करने के बाद इसे चेंज कर सकते हो, या जब हम हैचिंग कर रहे होते हैं उसी टाइम भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम हैचिंग कर रहे होते हैं यहाँ पर रिबन का कुछ इंटरफेस इस तरीके से हमें शो होता है, जहाँ पे इसमें ऑप्शन आता है। यहाँ पे एक तो आ रहा है, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ये हैच के टाइप, हैच के टाइप में कितने टाइप्स के हैचिंग कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टोटल देखेंगे तो टोटल ये चार टाइप्स के हैचिंग है। पहला तो आ रहा है सॉलिड, सॉलिड का मतलब कोई भी यदि हम हैचिंग करते हैं तो सॉलिड हैचिंग होगा, कोई भी कलर से हम हैचिंग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे हम सभी 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 को बारी बारी से देखेंगे। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कोई भी मिक्स कलर को मिलाकर यदि हम हैचिंग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ग्रेडियंट हैचिंग यूज करेंगे। इसके बाद पैटर्न का मतलब ये होता है जो कि अभी यहाँ पे यूज हुआ है किसी पैटर्न के रूप में, जैसे स्क्वायर हो गया, पैरेलल लाइंस हो गए, कोई सेक्शन वगैरह दिखाना है उसके लिए, जैसे मान लो सैंड सीमेंट वगैरह दिखाना है उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो आप, या फिर कोई वर्टिकल लाइनें दिखाना है सिर्फ उसके लिए यूज कर सकते हो आप स्टील के लिए। और फिर जो क्या बोलते हैं सेक्शन में लाइंस होते हैं, जैसे स्टील का कहीं फ्रेम वगैरह दिखाना है उसका सेक्शन कैसे दिखाओगे, ग्लेजिंग दिखाना है उसके लिए क्या यूज करोगे, तो सब कुछ यहाँ पे पैटर्न में मिलेंगे। और पैटर्न कैसे यूज करते हैं वो सब कुछ अभी हम आगे पढ़ेंगे वीडियो में। यूजर डिफाइंड जिसमें सिर्फ या तो वर्टिकल लाइंस होंगे या तो फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे, ज़्यादातर इसमें बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल लाइंस आते हैं। इसका एंगल चेंज करके आप इसे वर्टिकल, एंगुलर, किसी भी एंगल पे इसे आप ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम आते हैं सॉलिड, सॉलिड पे क्लिक किए, अब ये सॉलिड फॉर्म में बन गया है, सॉलिड फॉर्म में ये हैच हो चुका है। यदि हम इसका कलर यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे हैच का कलर का भी ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद इसमें बहुत सारे कलर आएंगे जो कि ऑटोकैड में अवेलेबल है। मोर कलर पे क्लिक करने के बाद इतने सारे कलर आ रहे हैं, कलर बुक भी आप ले सकते हो, यहाँ से आप कलर बुक का कोई भी बुक उठा लो, कोई भी बुक का कोई भी कलर ले लो। इसके बाद यहाँ से इसे ट्रू कलर भी कर सकते हो, ट्रू कलर का मतलब यह है कि इसे कितना लाइट करना है कितना डार्क करना है। उसके बाद यहाँ से आप ओके करके इसे सेट कर सकते हो, या फिर इंडेक्स कलर में आओगे तो इसमें इतने सारे इंडेक्स कलर है जो कि 255 तक है कलर टोटल, यहाँ पे 255 तक है जिसमें से और कलर होते हैं ये टोटल। तो इस तरीके से आप इसमें कोई सा भी कलर यूज कर सकते हो। आप यहाँ पे क्लिक करोगे ये कलर यहाँ पे शो हो रहा है, जो कलर यहाँ पे शो हो रहा है वही कलर की हैचिंग होने वाली है। यहाँ पे हम ओके करेंगे, ओके करते ही ये हैचिंग इस पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद ये सॉलिड तो आप समझ चुके, और सॉलिड के लिए आपको मेन एक चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं कि जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है यहाँ पे सॉलिड होना कंपलसरी है। जैसे यहाँ से आप सॉलिड सेलेक्ट करोगे तो ये सॉलिड अपने आप ही आ जाएगा। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पर अच्छा हो तो आप क्लिक कर सकते हो, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे ये इस तरीके से डायलॉग बॉक्स, पॉपअप बॉक्स ये ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप जो भी पैटर्न सेलेक्ट करना चाहते हो, सॉलिड के लिए आपको हमेशा सॉलिड पैटर्न ही सेलेक्ट करना है इसलिए ताकि ये सॉलिड हो। तो सॉलिड हो गया ये। इसके बाद हम नेक्स्ट जो इसमें हैचिंग पढ़ेंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एच इंटर करेंगे सबसे पहले, एच इंटर किए। एच इंटर करने के बाद यहाँ पे जो आ रहा है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब ये होता है ये जो सिंगल कलर का है, अब हम जो ग्रेडियंट करेंगे वो एक से एक और दो कलर को मिक्स करके हम करेंगे। जैसे ग्रेडियंट पे क्लिक किए, क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे देख रहे हैं इसमें जो आ रहा है कलर वन, ग्रेडियंट कलर वन, और यहाँ पे जो आ रहा है ग्रेडियंट कलर टू। अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद कितने पैटर्न बन रहे हैं वो हमारा ये पैटर्न वाले ऑप्शन में, सेक्शन में शो होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो ड्रॉप डाउन बटन है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये टोटल इतने जो ये पैटर्न दिख रहे हैं ये टोटल 9 टाइप्स के पैटर्न होते हैं। ये जो टोटल इतने पैटर्न है ये सारे पैटर्न सिर्फ ग्रेडियंट का पैटर्न है, और बाकी सॉलिड का जो पैटर्न था यहाँ पे पैटर्न है, और इन इसका और इसको ये जो दो बच रहे हैं इसको छोड़ने के बाद बाकी जितने भी पैटर्न बच रहे हैं ये सभी पैटर्न्स का पैटर्न है। तो हमें क्या करना है, इसमें से जो ग्रेडियंट का पैटर्न है उसमें से भी कोई सा भी एक पैटर्न यूज करना है। जैसे हम इसे सेलेक्ट किए, इसे सेलेक्ट करने के बाद इस पर हम क्लिक किए तो इस टाइप का ये इसमें हैचिंग हो चुका, जो कि एक तरफ ब्लू दिख रहा है, बीच में लाइट ब्लू और फिर येलो का मिक्सर है, इसके बाद लास्ट में डार्क ब्लू डार्क येलो है। इस तरीके से इसमें हैचिंग हो चुका है। यदि हम कलर चेंज करना चाहते हैं तो पहले कलर में जाएंगे, इसके बाद इसका कलर कैसे चेंज करेंगे मोर ऑप्शन में जाकर भी चेंज कर सकते हैं, रिसेंट में जो भी हम यूज किए थे इसमें यहाँ पे शो रहा है इसका भी यूज कर सकते हैं। यदि आप इसमें से कोई कलर पसंद आ रहा है तो इसमें से आप कोई कलर ले सकते हो। इसके बाद जो सेकेंड कलर आप दोगे इसमें से कोई कलर ले लो आप, इन दोनों का मिक्स करके इस तरीके से पैटर्न बना। यदि आपको इस पैटर्न को मतलब पैटर्न ये सही नहीं लग रहा है आपको तो यहाँ पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद आप इस टाइप से पैटर्न ले लो, ये वाला पैटर्न यूज करो, ये वाला पैटर्न यूज करो, ये वाला पैटर्न यूज करो, जो आपको
अच्छा लगे वो पैटर्न आप यहाँ से सेलेक्ट करके इसे आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इसमें संतुष्ट हो यहाँ पे आप एंटर कर लो, ये हैचिंग इसमें हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट हैचिंग आ रहा है इसमें, ये हैचिंग है पैटर्न। अब पैटर्न अभी अभी हम बताएं कि सॉलिड के लिए एक पैटर्न आता है, ग्रेडियंट के लिए टोटल 9 पैटर्न आता है, जो कि यहाँ पे आ रहा था अभी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा था, विजिबल था ये ऑप्शन। इसके बाद इस सभी को छोड़ने के बाद ये सभी जितने भी आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं ये सभी पैटर्न का पैटर्न टाइप है। इसके लिए आपको क्या करना है, पैटर्न पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद इसमें ये हैचिंग तो हो गई, अब ये पैटर्न स्क्वायर फॉर्म में है। अगर इसको आपको चेंज करना है तो आपको यहाँ पे फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसमें से कोई सा भी पैटर्न आप जैसा हैचिंग दिखाना चाहते हो उस तरीके से यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ब्रिक का दिखा लो, कोई सा भी यहाँ पे आप दिखा लो। जैसे सपोज करो इस पर हम क्लिक किया, ऐसा शो हो रहा है, इस पर क्लिक किया लेकिन इसमें सिर्फ सिंगल लाइन शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे ऐसा मेरा शो हो रहा है। अब एक चीज़ और नोटिस करेंगे, इस चीज़ का हम यहाँ से एंगल और इसका स्केल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, एंगल अभी तो 0 है, मतलब कि ये सीधा ऐसे इस तरीके से बना हुआ दिखाई देगा। अब इसका स्केल बहुत बड़ा है, 1 शो हो रहा है, इसे हम क्या करेंगे छोटा करके देखेंगे कि कितना हो रहा है। 0 नहीं करेंगे, इसे हम कर लिए 0.23, कुछ भी इस तरीके से चेंज करेंगे। 0.2 पे ऐसा दिख रहा है, हमें और छोटा करना है तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे। और छोटा करना है तो यहाँ पे और छोटा भी हम कर सकते हैं, इस तरीके से। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इसे अगर हम चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं। तो और बड़ा करने के लिए 0.09 कर ले रहे हैं या फिर 8 कर ले रहे हैं। ये इस तरीके से हम हैचिंग करते हैं। हैचिंग हो गया। अब हैचिंग करते टाइम हमें 2-3 चीज़ें और याद रखने हैं। हैचिंग करते टाइम हमें क्या करना है कि जैसे एच इंटर किए, एच इंटर करने के बाद यहाँ पे जब हम हैचिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक सेटिंग का भी ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे जाके हम हैचिंग को सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रहा है जो कि यहाँ पे रिबन में शो हो रहा था। चाहे तो आप यहाँ से उसका टाइप चेंज कर सकते हो, पैटर्न चेंज कर सकते हो, आप कलर चेंज कर सकते हो, यहाँ पे उसका प्रीव्यू भी देख सकते हो। उस तरीके से आप यहाँ पे यूज कर लो। स्केल का भी ऑप्शन यहाँ पे आ जा रहा है और एंगल भी यहाँ पे ही आ रहा है। आप या तो चाहो तो सेटिंग में जाकर कर लो या फिर यहाँ पे रिबन की सहायता से कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे आपको सही लगे। इसके बाद पिक पॉइंट मतलब ये है, इस पर क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको पिक करके हैचिंग करना होता है। यदि आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करते हो तो ऑब्जेक्ट को सिर्फ आपको इसका बाउंड्री सेलेक्ट करना है, उसके अंदर हैचिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जो बाउंड्री है वो क्लोज होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन यहाँ भी आ रहा है, एसोसिएटिव, और फिर यहाँ पे एक आ रहा है सेपरेट आ रहा है, जो कि इन दोनों का ज़्यादा यूज होता है। तो सेपरेट का मतलब ये है कि जो हैचिंग हम कर रहे हैं वो सेपरेट है, मतलब अलग अलग बटा हुआ है, और एसोसिएटिव का मतलब है वो बाउंड्री के साथ लगा हुआ है। इसमें से जो भी हैचिंग आप यूज करो वो कर सकते हो। यदि आप लोगों को वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि आपको लेक्चर समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई क्वेरी है आपकी, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। और 3D के लिए आप मेंबरशिप लेना ना भूलें, चैनल को ज्वाइन कर लें। चैनल को ज्वाइन कैसे करेंगे, आप यूट्यूब पर जाएंगे, एम्पॉली सर्च करेंगे। एम्पॉली सर्च करने के बाद आप चैनल पे इंटर हो जाएंगे, उसका होम स्क्रीन पे, होम पेज पे आपको सब्सक्राइब के बटन दिखेंगे, उसके साइड में आपका ज्वाइन ऑप्शन आएगा, ज्वाइन का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आपको 29 रुपीज पेड करने हैं, जो कि 3D के लिए बहुत ही कम फीस रखे गए हैं। 3D वीडियो लेक्चर आप अच्छे से इंजॉय करें। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। जैसे 2D कमांड कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको इसमें प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। इसके डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट, कुछ ड्राइंग्स वगैरह भी दिए जाएंगे, जिसका प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हो, और जो डाउट्स आते हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हो। आपका रिप्लाई बहुत ही ज़रूर दिया जाएगा, सारे कमेंट्स आपके पढ़े जाएंगे, और उसमें जो भी आपकी क्वेरी है उस क्वेरी को फुलफिल किया जाएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।